लेकिन यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता जो है, क्या उसे लेकर भी कोई खतरा है? राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है इस तरह के अशुभकारी योग से, क्योंकि हर एक परिप्रेक्ष्य में हर एक जगह पर इसका असर देखने को मिल सकता है, ये भी कहा जाता है। देखिए 4 अगस्त को गुरु जो है वो अस्त हुए हैं, 4 अगस्त को उदय हो जाएंगे, जिससे इन घटनाओं में कुछ कमतरता आएगी। अब बात करें राजनीति की, अगर हम राजनीति को कलयुग, क्योंकि इस वक्त हम कलयुग की श्रेणी में हैं, घोर कलयुग आने वाला है, कलयुग की श्रेणी में होते हुए राजनीति या राजनीतिज्ञों को कलयुगी देवता माना जाता है, इसलिए शनि के साथ में उनका संबंध माना जाता है। अगर हम मंगल की युति को देखें तो मैं ये कहूँगा इससे पहले कि राजनीति में अस्थिरता आएगी, तो राजनीति में अस्थिरता आने के योग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के साथ आम आदमी के लिए अच्छे दिनों के लिए प्रयत्नरत रहेगी, मगर ग्रह दशा अपना काम करती है, नियति को कोई नहीं टाल सकता बेटा। इसलिए अगर नियति, अगर ग्रह दशा, द प्लेसमेंट ऑफ स्टार्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए अच्छे काम करके जाएंगे। मगर इस वक्त गुरु अस्त है, शनि मार्गी है, शनि मंगल के साथ में द्वंद योग बनाकर बैठा हुआ है, इसलिए राजनीतिज्ञों को, रूलिंग पार्टी को बहुत ही संभल कर चलना होगा। उनके ऊपर विपक्ष के हमले होते रहेंगे, यहां तक कि 4 सितंबर तक बड़े बड़े नेता जो हैं उनको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। कहीं भी सुरक्षा में द्वेष, कोई भी सेंध ना लगाए, क्योंकि यहां पर एक बात और बता देना चाहता हूं कि राजनीतिक अस्थिरता आए या ना आए, ज्योतिष शास्त्र में उसके संकेत अभी नहीं दिखते। राजनीतिक बीजेपी स्ट्रांग होगी, भारतीय जनता पार्टी आगे अच्छे काम करेगी, ये दिख रहा है।